दोस्तों, वैसे तो मैं गार्डनिंग उतनी नहीं जानता हूँ, उसके बारे में मुझे जानकारी उतना नहीं है, लेकिन मैं करता रहता हूँ फिर भी अपने घर पर। देखिए दोस्तों, ये मैंने मालाबार स्पिनच लगाया हुआ है, जो कि ग्वालियर में बहुत कम मिलता है। मालाबार स्पिनच, जिसे पोई भी कहते हैं, कई चीज़ों में इसका उपयोग भी करते हैं लोग। ये मैंने, ये देखिए दोस्तों, ये एक और है, और एक ये प्लांट है जो मैं नर्सरी से लाया था, बट पोई में नर्सरी में नहीं मिलता है, ग्वालियर में बहुत कम मिलता है, मिलता ही नहीं है वैसे तो। देखिए दोस्तों, ये बेल पत्री है, ये बेल पत्री है, एक पोई का पौधा, ये और है मालाबार स्पिनच, ये यहाँ से बेल है इसका, ये बॉटल काट के मैंने लगा दिया था, घरेलू पॉट बना के। ये देखिए ऐसे ये बन चढ़ रहा है पूरा। मैंने उसे एक अकाऊ के छोटा सा वृक्ष लगा हुआ है मेरे घर पे, मैंने उस पर लगा दिया, उसे चढ़ गया है वो। ये देखिए और भी ऊपर तक आ गया है, इसमें सीड भी आ रहे हैं, ब्लैकबेरी सीड हैं, जो ये गिरते जाते हैं वहीं पर ये प्लांट ग्रो होता जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए वहीं पे ये प्लांट ग्रो होता जाता है। ये इन सबका मदर प्लांट है। ये देखिए दोस्तों, इस ये पोई है, ये देखिए कितने बड़े बड़े लीफ हैं इसके। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे ना जो मेरे घर पर केले का वृक्ष है उस पर चढ़ा दिया है ऊपर, ये अपने आप ऑटोमेटिक चढ़ता चला जाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये चढ़ गया, ये देखिए, और ऊपर तक चला गया, ये शानदार लगता है देखने में, काफी खूबसूरत हो रहा है। ये पोई मैंने पिछले सीजन में लगाया था, लगभग जनवरी में, और इसके सीड और भी जगह गिरे हुए हैं। देखिए यहाँ पे भी एक बन गया है, ये देखिए, ये नीचे से इसका स्टिक लाल होता जाता है। ये देखिए दोस्तों, खूबसूरत है, लंबा हो जाता है, काफ़ी दूर तक जाता है। और ये मेरे घर में मैंने मिर्ची भी लगाया है काफ़ी, इसे लौंग मिर्ची बोलते हैं, काफ़ी तीखी मिर्ची आती है इसमें, हरी मिर्च, शानदार है। आफ्टर 1 मंथ इसमें मिर्चियाँ आ जाएंगी। ये अमरवेल है, हिंदी में हम लोग जो जानते हैं अमरवेल के नाम से जानते हैं, काफ़ी लंबी लंबी है, बहुत लंबी लंबी है इसकी बेल जाती है। ये एबाकस लगा हुआ है मेरे घर पे, इसमें बर्ड्स आ रहे हैं काफ़ी, 2 साल पुराना है मेरे घर पे। ये देखिए बर्ड्स आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं इसमें, काफ़ी सारे बर्ड्स आ रहे हैं। ये देखिए इधर भी, यहाँ पे भी आ रहे हैं। और रोज़ कम से कम 2 या 3 फूल आते हैं इसमें मेरे घर पे, बहुत सुंदर फूल आते हैं। ये वो केले का वृक्ष था जिसके ऊपर मैंने बेल को चढ़ा दिया है।